जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस के बारे में बताएंगे जो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से निकल के आई है और परीक्षा विभाग ने आपके लिए एक ज़रूरी सूचना जारी की है और उसी के साथ एक बहुत अच्छी खबर है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं, हमारा सवाल कि क्या दिसंबर में परीक्षा होनी चाहिए या फिर जो नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनके भी परीक्षा अगस्त में ही करवा देनी चाहिए, क्या कहते हैं आप सब? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिए, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन हुई तो आपको 6 महीने का समय और देना पड़ेगा, यानी 6 महीने आपका समय बर्बाद होगा। तो क्या इतना डिले करना ज़रूरी था या इस समय एग्जामिनेशन देना चाहिए? मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहने का मतलब है कि अगर यूनिवर्सिटी अभी एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको प्रमोशन देना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जामिनेशन 6 महीने 7 महीने बाद हो तो फिर हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स आप हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या 6 महीने बाद आप एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार है या फिर अभी एग्जामिनेशन आपको चाहिए, अभी आपको एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और अपना 6 महीने का समय बचाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ ज़रूर आप लिखिए। चलिए बात करते हैं जो भी नोटिफिकेशन आई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट इग्नू में फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है। 31 जुलाई 2021 तक आप एडमिशन्स ले सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ बता दूं कि आपको छूट भी दी जाएगी फी में। जो SC ST कैंडिडेट है वो ध्यान रखिए कि आपको एग्जामिनेशन में छूट ज़रूर मिलेगी, यानी फ़ी में आपको छूट ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म की। तो एग्जामिनेशन का फॉर्म देखिए इस समय है, लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि लास्ट डेट अभी यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। लास्ट डेट इस तरह से निकल चुकी है कि आपका लास्ट डेट 12 जुलाई है, लेकिन फिर भी फॉर्म अभी तक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्म फिलअप प्रोसेस चालू है यानी स्टार्ट है या फिर ये ओवर हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नोटिस आता है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन ओवर। तो हो चुका है, क्लोज हो चुका है, देख सकते हो आप। तो अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हम जो एग्जामिनेशन फॉर्म एक्स्ट्रा फ़ी देकर लेट फाइन देके भर सकते हैं ऑफलाइन? तो जी बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। डेट शीट की बात करें तो डेट शीट को लेकर एक नई अपडेट है। 15 जुलाई 2021 की रात को ही ये डेट शीट आपको पब्लिश हुई है। ये डेट शीट आपकी पुरानी डेट शीट से नई है। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो डेट शीट है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट और जो आपके बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका ही एग्जामिनेशन यहाँ होने का है और ये नई डेट शीट है। हालांकि बहुत सारी कमियां थी डेट शीट में, बहुत सारे कोर्स कोड जो अवेलेबल नहीं थे उन सबको फिर से इसमें ऐड कर दिया गया है और एक नई डेट शीट यहाँ पे लाई गई है। तो आप फिर से अपनी डेट शीट को चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन डेट जो आपका पुराना था वो अब चेंज हो गया है और आपके जो मिसिंग थे कोड्स वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ध्यान से देखिए और जल्दी से चेक कीजिए। नेक्स्ट अपडेट है री रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो भी कैंडिडेट री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है करा लीजिए, क्योंकि आपकी अंतिम तारीख वो 31 जुलाई है। 31st of July 2021 को यहाँ पे आपका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो आप वो देख लीजिए, आप री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिशन का। तो देखिए असाइनमेंट सबमिशन की भी जो डेट है वो सिर्फ 15 जुलाई तक ही थी, लेकिन यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपका आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो देखिए लास्ट डेट ओवर हो चुकी है और ऑफलाइन की भी डेट ओवर हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को लेकर। तो आप रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए इंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर। और रीजनल वेबसाइट्स की बात करें तो कोई भी रीजनल वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ इसमें अभी ये अनअवेलेबल शो कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपके रीजनल वेबसाइट्स पे कुछ काम चल रहा है, कुछ अपडेट है, जिस वजह से रीजनल वेबसाइट्स अभी वर्किंग नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि क्या अभी एग्जामिनेशन सबकी हो जानी चाहिए और अगर अभी एग्जामिनेशन नहीं लेंगे तो इग्नू को देर करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नू को अभी एग्ज़ाम ले या फिर स्टूडेंट्स को पास करें। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपनी सहमति। थैंक यू सो मच।